अनुरूप नहीं बनाना है, भगवान को कृष्ण के अनुरूप बनाना है। क्या सोच के कि भगवान कैसो है कि कृष्ण भी बन सके। सैव कदाचित जगद उद्धारार्थम अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण उच्यते। वो जगत अपनी भगवत्ता निभाते भय भी अब भगवान जैसो। भागवत यही लिए बहुत सुंदर बात है कि पित्रो संपश्यत सद्य बभुव प्राकृत शिशु। माँ बाप देवकी वसुदेव जी के देखते भय वो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकटे। और देवकी जी ने कही कि महाराज ये चार भुज में आपके प्रकट दिखेंगे ना तो कंस नहीं पहचानते हो, तो पहचान जाएगा कि तुम कौन हो, तो फिर तुम्हारी सिक्योरिटी क्या। तो मेरे माँ होने के कारण दिल धड़क रहे हो कि ये रूप में मुकु बेटा नहीं चाहिए, गलती हो गई मैंने कि तुम्हारे जैसे बेटा मांगे हो। मुकु तुम्हारे जैसे बेटा वह अर्थ में नहीं चाहिए कि चार भुजा के साथ तुम प्रकट हो, मुकु तो ऐसा बेटा चाहिए कि जाकू कंस पहचान के मार न दे। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारी इतनी मातृत्व की भावना प्रबल है तो मैं तो चार भुजा वालों हूँ, पर तुम्हारी मातृत्व की भावना को आदर करने के लिए पित्रो संपश्यत सद्य बभूव प्राकृत शिशु दो हाथ वाले ठाकुर जी बन गए। तो अपन कृष्ण के अनुरूप भगवान बना रहे हैं कि भगवान के अनुरूप कृष्ण बना रहे हैं। भगवान के अनुरूप कृष्ण बनाना होगा तो फिर पाछो क्या है, दो हाथ एट्रिक लगाने पड़ेंगे। हम नासिक में पढ़ते थे तब मैंने ये लीला देखी थी, वहां एक मदन मोहन जी के स्वरूप थे। मदन मोहन जी के स्वरूप बड़े खूबसूरत स्वरूप थे, अपने पुष्टि मार्ग के नहीं होते। तो मैं जहाँ पढ़ने जाता तो पक्के आसपास में वो मंदिर है। तो ये जो नवरात्रि के 9 दिन आवे ना, 9 दिन उनके नए नए श्रृंगार होते। मैं भी छोटा तो वह वक़्त 11-12 बरस को, तो हमारे सब सहपाठी लोग दर्शन करने जाते तो मैं भी जाता था वहाँ वो मदन मोहन जी के दर्शन करने। तो वहाँ में क्या करते, एक दिन उनके पेट पे गरुड़ बांध देते, गरुड़ पे दो चरण धरा देते। अब मदन मोहन जी दो शिरस्त्र और धरा देते कपड़ा के बने हुए। अब वो ऐसे लगते कि गरुड़ पे बैठ के भगवान आ रहे हैं। मैंने कि भाई कल तक तो मदन मोहन जी होते, आज ये मदन मोहन जी दर्शन ऐसे कैसे दे रहे हैं। तो मेरे को भी उत्कंठा हो गई। तो मैंने कहा चलो 9 दिन अपन चलेंगे। तो क्लाइमैक्स का दिन आयो नवरात्रि को, वह दिन मिनी स्कर्ट बॉब कट हेयर और पॉकेट लगा के ठाकुर जी विराजे हुए। तो मैंने कहा यार ये तो अद्भुत कथा हो गई, ये आज कॉलेजियन गर्ल बन गए ठाकुर जी। अब कोई सिटी भी बजा सके फिर तो ठाकुर जी कभी भी कर सके। हाँ ना मेरी जान संडे के संडे भी कर सके। तो ये कोई ठाकुर जी की दुर्गति कर रहे हो कि तुम भक्ति कर रहे हो, ये तो सोचो। या तरीके के उपद्रव अपन क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन कृष्ण लीला का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने को एक बात पता चल गई कि कृष्ण भक्ति के भाव के अनुरूप स्वरूप धारण कर सके। अब अपने को वो भक्ति भाव तो है नहीं, अपने को कॉलेजियन गर्ल अच्छी लगे हैं मिनी स्कर्ट पहरी भाई। तो वो बेचारे मदन मोहन जी को मिनी स्कर्ट पहरा दियो, पॉकेट लटका दी, बॉब कट हेयर लगा दियो, ये सब क्या है। तो दुर्गति है ना भगवान की। अपन पेशाब नहीं करें करके फुटपाथ पर अपन भगवान के मूर्तियां जड़ावें। भगवान को कोई धंधा है कि नहीं कि आदमी के पेशाब से ही झगड़ा है। जैसे कोई वो जैसे एनजीओ खुल जाए ऐसे भगवान को क्या एनजीओ है कि कोई को रोड पे पेशाब नहीं करवे देनो। जितने झगड़ते भगवान है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे सब वहां फुटपाथ पे लगा दें या पेशाब मत करो। कोई समझो वहां पे पेशाब कर जाए तो गुनहगार कौन, गुनहगार कौन। अपने हिंदू की अपने देवतान के प्रति या तरीके को आस्था को ह्रास भयो है कि अपन अपने देवतान को या तरह से वापर रहे हैं, पटाखान पे अपन वाहते हैं। अपने को मन में दहशत नहीं पैदा हुआ है कि दिया सलाई लगा के अपन राम बाण में रामचंद्र जी को चित्र बना रहे हैं। रामचंद्र जी ने सारी लंका ढा दी है पर रामचंद्र जी को ही ढा दें जाओ, वो लक्ष्मी पटाखा हुआ है लक्ष्मी हो बेचारी, लगाई नहीं दिया सलाई और लक्ष्मी जी का फुतरा फुतरा उड़ जाए। क्या कर रहे हैं अपन, कर क्या रहे हैं, अपने को समझ नहीं है। ये समझ नहीं है कि अपने को भगवान के अनुरूप अपना देव को बनाना है कि देव को भगवान के अनुरूप बनाना है, ब्रह्म के अनुरूप अपने को बनाना है कि ब्रह्म को अपने देव के अनुरूप बनाना है। इन बातों को विवेक नहीं होने के कारण अपने सेवा मार्ग में ही नहीं
अपने कर्म मार्ग में, अपने ज्ञान मार्ग में, अपने भक्ति मार्ग में, अपने वैराग्य मार्ग में, सब मार्गन में भारी भारी कबाड़ाएं होते रहे हैं, क्योंकि वैराग्य मार्ग में भी कबाड़ा ऐसे हो सके। मैंने हरिद्वार ऋषिकेश में गयो, हर आश्रम पे एक तो टीवी को एंटे। अब वैराग्य लेके तुम यार हरिद्वार ऋषिकेश आए हो, वहां भी तुमसे एंटेना नहीं छूटे तो फिर बंबई कलकत्ता खोटे क्या आते, ये तो बताओ। चलो भाई एंटेना लग रहे हो, इंटरनेशनल तुमको समाचार जानने होंगे। कई आश्रम में ये स्पष्ट लिखे हुए हो तो बिवेयर ऑफ डॉग। मैंने आश्रम में जाके उनसे पूछे, मैंने कहा स्वामी जी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बोले वहां तो बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा तो स्वामी जी से डरना कि डॉग से डरना, किससे डरना, पूछते यार खुलासा तो करो। तो वाकू वॉचमैन को समझ नहीं आई क्या मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा जाओ दर्शन करना अंदर जाओ, नहीं तो जाओ। अच्छा हम जाते, क्या करते करना क्या, एक तो तुम कह रहे हो कि हम ग्रह छोड़ के त्याग करके वैराग्य लेके आए, कुत्ता रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मैंने घर छोड़ के नहीं आए हो, घर में से कोई चीज चुरा के यहाँ भी लेके आए हो या जमा करिए घर के जैसी, फिर त्याग क्या को करना चाहिए, तो फिर गृहस्थी रहो ना यार आनंद सुख, क्या कोई गृहस्थ में पाप है क्या। त्यागी पुण्यात्मा हुए, गृहस्थी पुण्यात्मा नहीं हुए ऐसा तो नहीं है, गृहस्थी भी पुण्यात्मा हो सके, गृहस्थी पापी भी हो सके, त्यागी भी पुण्यात्मा हो सके, त्यागी भी पापी हो सके। पर त्याग मार्ग में भी अपन वह तरीके की घोटाला कर रहे हैं, क्योंकि अपने को समझ नहीं है कि वैराग्य के पर्यावरण में त्याग करना है कि त्याग के पर्यावरण में वैराग्य करना है। शास्त्र की स्पष्ट आज्ञा आती कि यदा हरेव विरजे तदा हरेव प्रवृजे, जा दिन तुमको वैराग्य आवे वा दिन त्याग करो। अपन क्या करें, त्याग पहले से कर दें फिर सोचें कि वैराग्य की साधना करेंगे, वो मरते दम तक वैराग्य की साधना हो ही नहीं। टीवी भी बैठाना पड़े, एंटेना भी लगाना पड़े आश्रम में, कुत्ता भी रखने पड़े, ट्रस्ट भी बनाना पड़े, चंदा भी इकट्ठो करना पड़े, बात तो गृहस्थ की पासी हो गई कि नहीं। तुमने क्या किया, त्याग करके और वैराग्य की साधना कर रहे हो। शास्त्र क्या कह रहे हो तो कि वैराग्य होवे तो त्याग करो, व्यर्थ में खोटी धांधली त्याग की मत करो, क्योंकि त्याग नहीं कर रहे हो तो कोई पाप नहीं कर रहे हो। अपन वही तो चीज वापर रहे हैं कि जो प्रभु ने अपने को दी है, तो हमें कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं। तो खोटे मन में एक फितूर बैठा लेनी कि सब चीज पाप है, सब चीज पाप है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ के छूटे को क्या, तुमसे देखो तो कुछ भी नहीं, वही पाची चीज वहां हो जाएगी खड़ी। तो यह बात को अपने को समझना चाहिए कि अपन ने हर मार्ग में ये पर्यावरण और फिगर को भेद नहीं समझने के कारण अपन ने बहुत लफड़ा किया है। पर्यावरण को अपने फिगर के अनुरूप अपने को बनाने को प्रयत्न करना चाहिए, फिगर को पर्यावरण के अनुरूप नहीं बनाया जा सके। वहां को कारण क्या, कि पर्यावरण इतना बड़ो है तो हमें फिगर को फिगर बनो ही नहीं रह जाएगा। रत्नाकर जी यही लिए कहें कि बूंदता विलय है बूंद विवस विचार की, पानी की जो एक बूंद है आकाश में से टपकती भाई, वो कितनी लंबी प्रक्रिया से बूंद बनी है कि समुद्र में से भाप उठी, भाप उठ के बदल बने हो, बदल बन के ठंडो पड़े हो, ठंडो पड़ के बूंद बन के गिरी। अब तुम कह रहे हो कि बूंद को सच्चो स्वरूप तो समुद्र है, तो मिला दो समुद्र में तो बूंद की बूंदता लय हो जाएगी और बाकी खूबसूरती खत्म हो गई। इतनी बात नहीं, समुद्र को जो ये प्रयास है पूरो वाके साथ तुम छेड़छाड़ कर रहे हो, तो तुमको बूंद के अनुरूप समुद्र को बनाना पड़ेगा। समुद्र के अनुरूप बूंद बनाने जाओगे तो बूंद टिकेगी नहीं। बूंदता विले है बूंद विवस बिचारी की, ऐसे अपने सेव्य के प्लॉट के अनुरूप अपने को कृष्ण को एरिया पर्यावरण बना पड़ेगा, कृष्ण के प्लॉट के अनुरूप अपने को भगवान को पर्यावरण बनाना पड़ेगा, भगवान के प्लॉट के अनुरूप अपने को परमात्मा को पर्यावरण बना के वह परमात्मा के अनुरूप अपने को ब्रह्म को पर्यावरण बनाना पड़ेगा। क्योंकि ब्रह्म तो परमात्मा, ब्रह्म में परमात्मा और आत्मा को भेद नहीं है। परमात्मा और आत्मा को भेद कहाँ पड़ रहे है कि एक आत्मा होए, ब्रह्म एक रूप से आत्मा बने और दूसरे रूप से अपना परमात्मत्व भी निभातो होए, तो वो आत्मा में परमात्मा को भेद पड़े है, वह ये आत्मा है और ये
देखो या तो तुम आत्मा नहीं रह जाओगे या तुमको परमात्मा नहीं मिलेगा। इन बातों को समझ जाए अपन अच्छी तरह से, तो बहुत सारी शंकाओं के समाधान अपने को हो जाए कि कब अपने को नाम लेनो, कब नाम नहीं लेनो, कब भक्ति करनी, कब भक्ति नहीं करनी, कैसे भक्ति करनी, कैसे भक्ति नहीं करनी, कैसे वाकु ब्रह्म को जानना, कैसे तरह से नहीं जानना, कैसे परमात्मा को जानना, कैसे तरह से नहीं जानना, कैसे भगवान की भक्ति करनी, कैसे नहीं करनी, कैसे कृष्ण लीला की मजा लेनी, कैसी कृष्ण लीला की मजा नहीं लेनी, समझनी जरूर पर वाकी मजा नहीं लेनी। उतना ने भगवान को मारने गई वह लीला की मजा अपन नहीं ले, वो मजा को अपन समझें कि भाई पूतना मारने गई थी और भगवान ने पूतना को मार दी, वह लीला की अपन मजा नहीं ले। ऐसे ही अपनी सेवा में अपन ठाकुर जी की कौन सी कृष्ण लीला की मजा लेनी और कौन से कृष्ण लीला की मजा नहीं लेनी सेवा में, वो विवेक अपने को आना चाहिए। वो विवेक आवे तो ये सारी समस्या के समाधान अपने को, और वो विवेक नहीं आवे तो अविवेक के कारण बहुत सारी समस्याएं अपने खुद खड़ी करते हुए और खुद खड़ी करके अपन हमें खुद वहाँ में फंस जाते हैं, फिर अपने को पता नहीं चलेगा करना क्या या को उपाय क्या करना, क्योंकि समस्या खुद अपन ने खड़ी कर। मैं समझूं कि 10 बज गए, मैंने आपको प्रॉमिस करी थी कि आज जगन्नाथ जोशी करूँगा, पर ये खुलासा जरूरी है तो करके थोड़ी पाछी आज अपनी पाछी पोस्टपोन हो गई है, पर अपन फिर से आशा रखें कल अपन जगन्नाथ जोशी की वार्ता पर स्विच ओवर हो सकेंगे या प्रकरण को यहाँ अपन पूर्ण करें आश्रय पद गा के। गृहेन चरणन केरो भरोसो, गृहेन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरो, दृढ़ेन चरणन केरो, साधन और नहीं या कलि में जासो हो ये निवेरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो।